करती नहीं तू। फिर हमें भाभी ने फिर भी डांटा। हाँ दीदी, मुझे पता है सुष्मिता, पुनीत शनाया के साथ बिल्कुल ठीक बिहेव नहीं करती। और मेरे साथ भी ये ठीक नहीं है भैया। क्या हुआ शनाया बेटा? कुछ नहीं दीदी। अच्छा सुनो ना, मेरे ना आपके लिए नूडल्स बनाए हैं। क्या नूडल्स? काली कलूटी सुष्मिता, तो क्यों ना तुम उसी के साथ बैठ के खाना खाया करो। हम दोनों साथ में बैठकर खा लेंगे। हमें शनाया दी और सुष्मिता दीदी के साथ खेलना था। आपने स्ट्रिक्टली मना किया था ना कि उन दोनों के साथ नहीं खेलना, तो हम यहाँ आ गए। हमने भेदभाव बहुत सह लिया है, अब हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या बोलो शनाया, कब तक अपने साथ भेदभाव होने दोगे? क्या हम कालों को हक नहीं है कि हमें भी वही साग मिले जो इन गोरे लोगों को मिलता है? हक तो पूरा है दीदी। तो बस फिर उस हक के लिए हमें लड़ना होगा। ऐसा कब तक चलेगा कि हम काले होने की वजह से ये सब सहते रहेंगे? कभी तो हमें आवाज उठानी होगी। तो बोलो, क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ दीदी, मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलके लड़ेंगे। अब हम कभी भी हमारे साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। Later. अनन्या, सियान। हाँ जी मम्मा। बेटा ये देखो, ये देखो कितना सुंदर है, है ना? हाँ जी। मैं सोच रही हूँ फेस्टिवल टाइम आ रहा है, क्यों ना आप दोनों को न्यू न्यू कपड़े ले दूँ। नए कपड़े? हाँ, ये कैसे रहेगा? और शनाया के लिए मम्मा। ये क्या करेगी नए कपड़े पहनकर? नए कपड़े पहन के भी उतनी ही बदसूरत लगेगी, तो इस पे नए कपड़े क्यों वेस्ट कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं इस पर। प्लीज मम्मा, मुझे भी न्यू कपड़े ले दो ना। हाँ, पहले जाके अपनी शक्ल देखो। प्लीज मम्मा, प्लीज। अनन्या, तुमने जो लास्ट टाइम लास्ट दिवाली पे मुझे सूट पहना था, वो लाके इसको दो ना। मम्मा पर वो तो फेड हो गया है। हाँ तो क्या हो गया, जैसी शक्ल वैसे कपड़े, फेडेड शक्ल फेडेड कपड़े, इस पे बिल्कुल सूट करेगा, है ना? सुष्मिता दीदी ने कहा था कि हमें अपने हक के लिए लड़ना है। मम्मा मुझे न्यू कपड़े ले दो ना, प्लीज मम्मा, प्लीज मम्मा, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, हाथ छोड़ो मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, मम्मा मम्मा प्लीज, मेरा हाथ छोड़। भाभी अपने सिनेमा को क्यों धक्का मारा? ओ, अब तुम मुझे सिखाओगी, तुम मुझ पर सवाल उठाएगी, तुम अपनी हद में रहो। चलो सिनेमा यहाँ से। शनाया, आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। दीदी हम नए कपड़े क्यों नहीं पहन सकते? भगवान ने हमें काला बनाया है और काला होना कोई पाप थोड़ी ना है। नहीं, कोई पाप नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं भैया से बात कर लूँगी। या तो तीनों के लिए कपड़े आएंगे, ना तो किसी के लिए नहीं आएंगे। पुनीत, मैं सारा दिन इतनी मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, ये तुम डिसाइड नहीं करोगी कि किसके लिए शॉपिंग होगी और किसके लिए नहीं होगी? क्यों डिसाइड नहीं कर सकती? मुझे नहीं करनी उस काली शनाया के लिए शॉपिंग, तो मैं नहीं करूंगी। तो ठीक है, तुम मत करो, मैं करूंगा उसके लिए शॉपिंग। रमनी, उस पे पैसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। भैया भाभी में झगड़ा हो गया, अच्छा ही हुआ। अब ऐसे ही भाभी का हर चाल को खराब कर दूंगी। ये गेम तो मैं ही जीतूंगा, देखते हैं। मैं भी खेलूं? आई विश तुम खेल पाती, क्योंकि मामा ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि शनाया और सुष्मिता दीदी से दूर रहने के लिए। ये क्या बात हुई, मेरा खेलने का मन कर रहा है आप लोगों के साथ, तो मैं भी खेलूंगी।
था दीदी, मैं तो ये गेम जीतने वाला था। अगर शेनाया नहीं खेलेगी तो यहाँ पे कोई नहीं खेलेगा। चलो शेनाया। ये जब से सुष्मिता आई है ना घर में, तब से शनाया को ज्यादा ही पर लग रहे हैं। पर मम्मा, शनाया ने तो कुछ नहीं किया। तुम ना उसकी साइड लेना बंद करो। मैं सच कह रही हूँ मम्मा, सुष्मिता दीदी वैसे गलत नहीं थी। क्या मतलब? मतलब हमने शनाया को अपने साथ खेलने के लिए मना कर दिया तो सुष्मिता दीदी का गुस्सा आ गया। अरे शनाया बेटा, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हो? पापा, सुष्मिता दीदी मेरे लिए नूडल्स बना रही है। बस 2 मिनट में ले आई बेटा। ठीक है दीदी। अरे वाह, थैंक यू सुष्मिता। जब से तुम आई हो, शनाया के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आ गई है। उसको तुम में एक सहेली दिखने लग गई है। इसमें थैंक यू की क्या बात है भैया, मैं शनाया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। Later. अनन्या सियान। हाँ जी मामा। ये लो अपनी अपनी प्लेट लो, मैंने आपके लिए नूडल्स बनाए हैं। वाओ नूडल्स! मामा मुझे भी प्लेट दो, मैं भी नूडल्स खाऊंगी। तुमने थोड़ी देर पहले तो नूडल्स खाए थे, वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने बनाए थे तुम्हारे लिए, भूल गई? मम्मा प्लीज मुझे भी नूडल्स दो ना, मुझे भी खाने का मन कर रहा है। जाओ यहाँ से, नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए नूडल्स। सियान, क्या तुम मेरे साथ नूडल्स शेयर करेगा? नहीं, मैं नहीं करूँगा। आप मेरे साथ नूडल्स शेयर करोगे नाना दीदी? नहीं, मैं नहीं शेयर कराऊंगी अपनी मैगी। ये प्लेट मेरे को दो। नहीं मेरे को दे, मेरे को दो, मेरे को दे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। मॉल में गए और खाना खाया ढाबे पर, वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 फूडी पे। मुझे तो अच्छा लगा यार खाना। मुझे सो लगा, मुझे ठीक लगा। तो भाई वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्ल